नमस्कार, जुड़ चुके हैं आप अब की सबसे बड़ी अपडेट के साथ। पंजाब की तर्ज पर, दिल्ली की तर्ज पर अब हरियाणा में भी लॉकडाउन शुरुआत हो चुकी है। जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू लगा था 10 से लेकर सुबह 5 बजे तक, अब की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि सुबह 5 बजे से लेकर आज, अगर हम आज की बात करें तो आज से वीकेंड कर्फ्यू लगेगा। हरियाणा में वीकेंड कर्फ्यू की अब तक की सबसे बड़ी अपडेट आप गरिमा टाइम्स पर देख रहे हैं। आपको बता दें, साथ के साथ शेयर कर दीजिए। बताते हैं आपको पूरी वीडियो में कि कौन कौन सी दुकानें खुली रहेंगी, किन किन को छूट दी गई है, कौन कौन से जिलों में लॉकडाउन यानी वीकेंड लॉकडाउन लगेगा। जी हाँ, हरियाणा के 9 जिले चुने गए हैं जिनमें रोहतक भी एक है। तो रोहतक वालों के लिए ये काफी बड़ी खबर साबित होने वाली है। इसमें आपको बता दें, हरियाणा के 9 जिले जिसमें पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, करनाल, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद में वीकेंड लॉकडाउन लगेगा। जी हाँ, ये वीकेंड लॉकडाउन जो होगा आज 10 बजे से शुरू हो जाएगा। अब की सबसे बड़ी खबर आप गरिमा टाइम्स पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू की शुरुआत हुई थी, नाइट कर्फ्यू में भी लोगों ने पाबंदियां कई हद तक मानी हुई थी और जिन्होंने नहीं मानी थी उस पर कानूनी कार्यवाही भी अमल में लाई गई थी। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि इस तरीके का नोटिस जो है हरियाणा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जारी किया है, जिसमें ये मेंशन है कि हरियाणा में आज से वीकेंड कर्फ्यू लगेगा, वीकेंड लॉकडाउन होगा। आज शुक्रवार है, फ्राइडे है और कल है शनिवार। अब की सबसे बड़ी खबर ये है कि आज रात 10 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 5 बजे तक आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। जी हाँ, आपको घर में ही बंद होकर रहना पड़ेगा। एक लॉकडाउन पिछले साल पूरा देश लॉकडाउन के स्तर पर था, अब राज्य सरकार ने, हरियाणा सरकार ने ये फैसला लिया है कि वीकेंड लॉकडाउन फिलहाल हरियाणा में लगा हुआ है, अब कल से लगेगा। आपको बता दें कि किन किन को इसमें छूट दी गई है। जो वीडियो देख रहे हैं, साथ के साथ शेयर करते रहिए ताकि ये न्यूज सब तक पहुंच सके। तो किन किन को वीकेंड लॉकडाउन की छूट दी गई है बता दें पहले। आज 10 बजे से मंडे सुबह 5 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन रहेगा और इसी के साथ ही जो जो इमरजेंसी के सुविधाएं मुहैया करवा रहे हैं, जिनमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले पुलिस कर्मचारी, नगर निगम वाले, उन सबको छूट दी गई है। साथ ही म्युनिसिपल सर्विसेज ड्यूटीज इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, पुलिस पर्सोनल, मिलिट्री सीएपीएफ पर्सोनल इन यूनिफॉर्म, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, फायर, मीडिया पर्सन्स, जी हाँ मीडिया पर्सन्स को भी इसमें छूट दी गई है। साथ ही विद एग्रीगेशन, यानी कि उनका कार्ड वगैरह जो है वो भी उनके पास होना चाहिए। गवर्नमेंट मशीनरी टास्क विद COVID-19 रिलेटेड ड्यूटीज, यानी कि जो जो COVID-19 की ड्यूटीज में पालना कर रहे हैं उनको इसमें छूट दी गई है। ये तो रहा पहला पॉइंट। आगे बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। जो जो जिन जिन बच्चों का एग्जामिनेशन है, जिन जिन बच्चों के एग्जाम्स हैं उनकी जो, या फिर एग्जाम में जिन टीचर्स की ड्यूटी है, तो उनको भी इसमें छूट दी गई है। इसके साथ ये भी आपको बता दें कि देयर शेल बी नो कर्ब्स ऑन दोज एंगेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ एसेंशियल गुड्स, उनको भी छूट दी गई है जो एसेंशियल गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उनको छूट नहीं दी गई। आपको बता दें, देयर शेल बी नो कब्स। इसी के साथ ही इंटरस्टेट और इंटरस्टेट, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल पर रोक लगा दी गई है। ऑल व्हीकल्स पर्सन्स इन अ बोनिफाइड ट्रांजिट इंटरस्टेट इंटरस्टेट शेल बी अलाउड टू पास। जी हाँ, व्हीकल्स आसपास से इन दो दिनों में, इन दो से ढाई दिनों में आज जो है ट्रांसफर हो सकते हैं, ट्रेवल हो सकते हैं। इसी के साथ आपको ये भी बता दें, हॉस्पिटल, वेटरनरी हॉस्पिटल्स, फार्मा शॉप्स और जितनी भी मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उन सब पर कोई भी रोक नहीं लगाई गई है, उनको छूट दी गई है। जिस तरीके से अगर हम वीकेंड लॉकडाउन की बात करें, इससे पहले नाइट कर्फ्यू था, 6 बजे दुकानें जो बंद होने का समय था उसमें भी इनको छूट दी गई थी, तो इनको अब भी छूट दी गई है। वीडियो को साथ के साथ शेयर कर दीजिए। अगला पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, कमर्शियल एंड प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स, जी हाँ, जिसमें टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विसेज, ब्रॉडकास्टिंग एंड केबल सर्विसेज, आईटी एंड आईटी एनेबल्ड सर्विसेज को भी छूट दी गई है। साथ ही मैं आपको बता देती हूँ इसके अलावा किन किन को छूट दी गई है। डिलीवरी ऑफ ऑल एसेंशियल गुड्स इंक्लूडिंग फूड, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल इक्विपमेंट एक्सेट्रा थ्रू ई कॉमर्स। अगर आप किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट से, चाहे वो अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, बिग बास्केट, बिग बाजार, कुछ भी है, उससे आप
अगर कुछ परचेजिंग करते हैं तो आप उनकी गुड्स वगैरह आ सकते हैं, उनको भी रोक नहीं लगाई गई है। तो आप अपने ऑर्डर कैंसिल ना कीजिएगा, क्योंकि उस इस वीकेंड कर्फ्यू में, इस वीकेंड लॉकडाउन में उन सब चीज़ों को छूट दी गई है। इसी के साथ ही किसको छूट दी गई है? पेट्रोल पंप वगैरह को, एलपीजी, पेट्रोलियम गैस, गैस रिटेल, जितने भी स्टोरेज आउटलेट्स हैं इन सबको भी छूट दी गई है। पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट एंड सर्विसेज, इसको भी छूट दी गई है। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सर्विसेज जो भी प्रोवाइड करते हैं, इनको भी छूट दी गई है। प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज वालों को भी छूट दी गई है। फार्मिंग ऑपरेशंस बाय फार्मर्स एंड फार्मर्स वर्क इन द फील्ड, यानी कि अगर कोई किसान खेतीबाड़ी करने के लिए अपने खेत में जा रहा है तो उनको भी छूट दी गई है। साथ ही मास्क पहनना अनिवार्य होगा, जिस तरीके से बार बार सरकार की भी गाइडलाइंस आ रही हैं कि मास्क अवश्य पहनिए, मास्क अनिवार्य है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, ATM यानी कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन को भी छूट दी गई है, 24/7 ये खुली रहेगी। दो पेजेस थे इसमें, जिसमें COVID-19 की पेंडेमिक, COVID-19 के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। तकरीबन अब से 10 मिनट पहले ही ये अपडेटेड खबर आई है। इसके साथ रेस्टोरेंट, ईटिंग प्लेसेस, होटल्स इंक्लूडिंग फूड जॉइंट्स, कोर्ट्स इन वेरियस मॉल्स कैन रिमेन ओपन ओनली फॉर होम डिलीवरी। तो जो होटल रेस्टोरेंट्स वाले ये वीडियो देख रहे हैं, ये जानने के लिए कि क्या हमार पर भी ये लागू हुआ है, तो आप पर भी बिल्कुल ये लागू हुआ है। इसमें सिर्फ आप होम डिलीवरी कर सकते हैं, होम डिलीवरी की सुविधाएं जो हैं प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने होटल रेस्टोरेंट्स वगैरह को खोलने की अनुमति आपको सरकार द्वारा नहीं दी गई है। साथ ही इंट्रा एंड इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ हार्वेस्टिंग एंड सोइंग रिलेटेड मशीन्स लाइक कंबाइंड हार्वेस्टर एंड अदर एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर इम्प्लीमेंट्स, इसको भी छूट दी गई है। यानी कि अगर आपको दूसरे देश, दूसरे प्रदेश से, दूसरे जिले से कुछ हार्वेस्टिंग का सामान लेकर आना है तो इसमें भी आपको छूट दी गई है। आपको बस अपना जो पास वगैरह है वो दिखाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही पैसेंजर्स गोइंग टू और रिटर्निंग फ्रॉम एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन और ISBT बस स्टेशन शैल बी एग्जेम्प्टेड। बस अड्डे से, स्टेशन से, ये रेलवे स्टेशन से या एरोप्लेन से, एयरपोर्ट से, अगर आप एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवलिंग कर रहे हैं या आप हरियाणा में एंटर कर रहे हैं तो आपको छूट दी गई है। आप हरियाणा में आ सकते हैं अपनी बस की, ट्रेन की या फिर एरोप्लेन की टिकट दिखाकर। इसी के साथ ही अब की बड़ी खबर में एक और बड़ा मेन पॉइंट ये है कि शादियों का क्या रहेगा। अगर किसी की सैटरडे संडे की शादी है तो क्या वो संडे में या फिर सैटरडे में अपनी शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो उनके लिए मैं ये बता दूं आपको कि ऑल मैरिज फंक्शंस विच हैव टेकन प्रायर परमिशन फ्रॉम द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और ऑफिसर्स ऑथोराइज्ड बाय देम शैल बी अलाउड टू सब्जेक्ट टू द लिमिट ऑफ मैक्सिमम ऑफ 50% ऑफ द हॉल कैपेसिटी विद द सीलिंग ऑफ 30% इन इंडोर एंड सीलिंग ऑफ 50% इन आउटडोर। ये खबर अपडेटेड पहले भी आई थी कि इंडोर के लिए 30 की है, 30 बंदे जो हैं आ सकते हैं शादी में, और आउटडोर के लिए 50 बंदे आ सकते हैं। इसमें अपडेट ये है कि अगर आपने पहले परमिशन ले रखी है सैटरडे और संडे शादी की, तो आप अपनी शादी जो है कर सकते हैं, दोबारा अपनी शादी में शामिल हो सकते हैं, शरीक हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसी कोई परमिशन नहीं ली है तो आपको भी वीकेंड कर्फ्यू का असर जो है पड़ने वाला है। फिलहाल 30 और 50 की जो लिमिट है वो तय सीमा है। इसके साथ आपको ये बता दे, ऑल द इंडस्ट्रियल यूनिट्स, ये तो रही बात एक पॉइंट में, ये सब मेंशन था कि किन किन को छूट दी गई है। साथ ही इधर 5 पॉइंट जो है मेंशन है, इसको साइन किसने किया मैं ये भी बता देती हूँ। चीफ सेक्रेटरी कम चेयरपर्सन हरियाणा स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के विजय वर्धन, इन्होंने साइन करके ये पास किया है कि वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत हरियाणा में आज रात 10 बजे यानी नाइट कर्फ्यू के बाद हो जाएगी। सैटरडे संडे आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। किस किस को और छूट दी गई ये भी मैं आपको बता दूं। जो इंडस्ट्रियल यूनिट और एंटरप्रेन्योर्स हैं, यानी कि जिनकी खुद की दुकानें हैं, उनको saralharyana.government.in ये वेबसाइट है, इस पर अपना सरल हरियाणा पोर्टल पर अप्लाई करना होगा और ये बताना होगा कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो आखिर प्रोड्यूस क्या कर रही है, किसका प्रोडक्शन कर रही है। अगर वो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग का ही कर रही है जो हरियाणा गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर रखा है, तो आप पर ये चीज लागू नहीं होगी। आप वीकेंड कर्फ्यू में, वीकेंड लॉकडाउन में बाहर जा सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। इधर उधर घूमने के लिए पुलिस बैठी है, नगर निगम बैठी है, वो आप पर अत्यंत कार्यवाही अमल में ला सकती है।
साथ ही जो थर्ड पॉइंट है उसमें भी मैं आपको बता दूं क्या लिखा हुआ है, ऑल एनफोर्सिंग अथॉरिटीज टू नोट दैट दीज स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस फंडामेंटली रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ पीपल बट नॉट टू दैट ऑफ एसेंशियल गुड्स, मूवमेंट ऑफ ऑल एसेंशियल गुड्स इज अलाउड। मैं आपको ये बता दूं कि लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है, लेकिन एसेंशियल गुड्स की आवाजाही आने जाने पर रोक बिल्कुल भी नहीं लगाई गई है। तो अगर आपका एसेंशियल गुड्स में चाहे दूध दही घी मक्खन इसमें अगर आपका आता है तो आप जो हैं अपनी ट्रैवलिंग अपना ट्रांसफर जो है कर सकते हैं वीकेंड लॉकडाउन के अंदर। मूवमेंट ऑफ पीपल अलाउड नहीं है, लेकिन मूवमेंट ऑफ एसेंशियल गुड्स अलाउड है। साथ ही इसके चौथे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है वो भी मैं आपको बता दूं। फोर्थ पॉइंट में ये लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट दिस कंटेनमेंट मेजर्स द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विल डिप्लॉय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स एज इंसिडेंट कमांडर्स इन द रेस्पेक्टिव लोकल ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि जिस जिले के जिस 9 जिलों में ये घोषित हुआ है उसकी घोषणा मैं आपको दोबारा भी बता देती हूँ किन किन जिलों में हुआ है। उन जिलों के जो DC हैं या जो SDM है या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं उनको ये लागू करने के सख्त निर्देश सख्त हिदायतें दी गई हैं। साथ ही अगर जो लागू नहीं करते हैं उन पर कानूनी कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी। इसके साथ ही पेनल प्रोविजन, एनी पर्सन वायोलेटिंग दिस कंटेनमेंट मेजर्स विल बी लायबल टू बी प्रोसीडेड अगेंस्ट एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 51-60, यानी कि सेक्शन 51 से लेकर 60 तक जो लागू नहीं करता उस पर इन सेक्शंस के इन धाराओं के तहत जो है कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। मैं आपको फिर से बता दूं किन किन जिलों में लागू हुआ है। हरियाणा के 9 जिले जिसमें से पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, करनाल, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद में वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। अब की सबसे बड़ी खबर ये है, साथ के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए क्योंकि ये लॉकडाउन हरियाणा के साथ साथ बाकी जिलों को भी प्रभावित करने वाला है। अपने कैमरामैन मोनू भट्टी के साथ मैं रिंकी बत्रा, नमस्कार।